हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक याद होगा क्या क्या कराया है। अब उसके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने तीन टर्म लिख रहा हूं, 4, 8, 16, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं क्या बोल रहा हूं कि 4:8 एंड 8:16 अगर ऐसा है तो 1:2 हो जाएगा ये, और ये भी 1:2। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इफ द रेशियो आर इक्वल वी कॉल इट एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये आज का नया लर्निंग है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, जब फर्स्ट और सेकेंड टर्म का रेशियो इक्वल होता है सेकेंड और थर्ड टर्म के रेशियो के साथ। ओके चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? लेट अस फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 15। मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड हम लोग ले लेते हैं एक्स। तो अभी क्या सीखा? अभी ये सीखा ना कि 9:15 एंड 15:x, और हम इसको मान के चलते हैं कि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो ये 9 और 15 क्या होता है? 3:5। कितना होता है? 3:5। तो बताओ x क्या होगा? अगर x भी हमारा रेशियो 3:5 है तो देखो क्या लिख सकते हैं, 15/x इज इक्वल्स टू 3/5। 15 × 5 इक्वल्स टू 3x। 75/3 इज इक्वल्स टू x। तो x क्या हो जाएगा? 25। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया? 25। देख लो वापस से मैंने क्या किया, दो टर्म दिया था 9 और 15, थर्ड टर्म दिया हुआ नहीं था। 9 और 15 का जो रेशियो है वो होता है 3:5, और 15:x का रेशियो हमने 3:5 लिखा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको x के लिए सॉल्व कर दिया, हमने क्या किया x के लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 2a² गिवन है एंड 3ab गिवन है, थर्ड नहीं गिवन है। तो देखो 2a² ratio 3ab कितना होगा? 2a² / 3ab, 2a / 3b। तो रेशियो क्या आ गया? 2a / 3b। अच्छा 3ab / x इज इक्वल्स टू 2a / 3b। ये समझ में आ गया, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। चलो तो अब इसको लिखेंगे कैसे, 3ab / x इज इक्वल्स टू 2a / 3b। मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 3ab² इज इक्वल्स टू 2ax, 3ab² / 2a इज इक्वल्स टू x। तो x क्या आ गया बोलो, अच्छा ये 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9ab² क्या हो जाएगा, 9ab² मैं इसको वापस से क्लियर लिख देता हूं। क्या है? 9ab² इज इक्वल्स टू 2ax। तो x क्या हो जाएगा, 9ab² / 2a इज इक्वल्स टू x। a कट जाएगा, क्या आ जाएगा,
नाइन बी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू एक्स, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ठीक है। अब पढ़ते हैं मीन प्रोपोर्शनल, क्या पढ़ेंगे, मीन प्रोपोर्शनल। इसका मतलब वो होता है कि एक नंबर, एक वैल्यू जो AD इक्वल्स टू BC की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, जो AD इक्वल्स टू BC को सेटिस्फाई कर सके। सपोज हमें दो टर्म दिए गए हैं, पहला 1/12 एंड दूसरा 1/75, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट मिल गया, लेकिन जो B होता है वो नहीं मिला और जो C होता है वो भी नहीं मिला। तो हम क्या मानेंगे कि ये दोनों सेम है, हम क्या मानेंगे ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को मान लो x। क्या हो गया देखो, 1/12 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू x बाय 1/75। समझ में आ गया, x x मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो, 1/12 इंटू 1/75 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1/12 इंटू 1/75, एक्स की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी 1/30। दिस इज द रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल, दिस इज द रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका मतलब बता देता हूं मैं, 1/12 रेशियो 1/30 इज टू 1/30 इज टू 1/75। ये जो आपका इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है AD इज इक्वल्स टू BC। कैसा इक्वेशन है, AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो, मीन प्रोपोर्शन निकालो 0.5 एंड 4.5 का, 0.5 एंड 4.5 का। ये टर्म हो गया A, ये टर्म हो गया B, C और D आपको नहीं पता, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 4.5, ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने से, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है इनवर्टेंडो। क्या नाम है, इनवर्टेंडो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका इक्वेशन a इज टू b इक्वल्स टू c इज टू d है, मतलब प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग b इज टू a एंड d इज टू c कर सकते हैं, b इज टू a एंड d इज टू c हम लोग उसको लिख सकते हैं। ये इसका मतलब है इनवर्टेंडो। ये हुआ कैसे, ये देखो होता क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC होता है, दोनों को डिवाइड कर दो AC से, दोनों को AC से डिवाइड कर दो, देखो क्या बचता है, बच गया ना D बाय C इज इक्वल्स टू B बाय A, तो B रेशू A इक्वल्स टू D रेशू C। समझ में आ गया। अगर कोई बोले इनवर्टेंडो का प्रूफ क्या होता है, तो AD और BC को AC से डिवाइड कर देना, किसे, AC से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, इनवर्टेंडो क्या होता है, AB और CD को आपस में इनवर्स कर देता है, आपस में इनवर्स कर देता है। चलो दूसरा नंबर, ऑल्टरनेंडो। क्या नाम है, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, अगर आपका A is to B is equals to C is to D है, तो A is to C is equals to B is to D,
मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन। पहले क्या था इनवर्टेंडो में, इनवर्टेंडो में ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे, लेकिन ऑल्टरनेंडो में ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किए हैं। कैसे किए हैं बताऊं? जो आपका इक्वेशन होता है ना ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दोनों इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दो बी बाय सी, दोनों इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दो बी बाय सी। ये देखो बी भी कट गया, क्या बचा ए सी, और सी सी कट गया, क्या बचा बी बाय डी। क्या लिख सकते हैं ए रेशू सी इक्वल्स टू बी रेशू डी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी इक्वेशन में जो प्रूफ है वो आया कैसे। तो इनवर्टेंडो में ये दोनों पोजीशन चेंज करते हैं और ऑल्टरनेंडो में ये दोनों पोजीशन चेंज करते हैं। इनवर्टेंडो में एसी से डिवाइड करना होता है और ऑल्टरनेंडो में बी बाय सी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलो थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर क्या है कॉम्पोनेंडो, क्या है कॉम्पोनेंडो, बहुत काम आता है। देखो ए रेशू बी है इज इक्वल्स टू सी रेशू डी, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं ए प्लस बी रेशू बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशू डी। मतलब इन दोनों का प्लस वाला टर्म हम लोग पहले लिख देते हैं कॉम्पोनेंडो में, कॉम्पोनेंडो में इन दोनों का प्लस वाला टर्म हम लोग पहले लिख देते हैं। अच्छा ये होता कैसे है, ये देखो a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है, दोनों में प्लस वन कर दो, देखो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाय बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय डी। मतलब a प्लस बी रेशू बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशू डी, हो गया। ये होता है कॉम्पोनेंडो, ये क्या होता है कॉम्पोनेंडो। चलो फोर्थ नंबर करते हैं जिसका नाम है डिविडेंडो, जिसका नाम है डिविडेंडो। अगर आपका इक्वेशन ये है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉम्पोनेंडो में प्लस होता है और डिविडेंडो में माइनस होता है, बस इतना सा ही फर्क है, ये देखो। ठीक है, और यहां पर a बाय बी एंड c बाय डी में से माइनस वन कर दोगे तो ये आ जाएगा। चलो ये तो हो गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का बात, अब दोनों को मिला के भी तो लिख सकते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कि नहीं लिख सकते। यहां देखो यहां पर किए प्लस, यहां किए माइनस, तो यहां कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करेंगे, देखो फिफ्थ नंबर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी रेशू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशू सी माइनस डी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो मैं बता देता हूं ये हुआ कैसे। कॉम्पोनेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंडो होता है a प्लस बी बाय बी, डिविडेंडो क्या होता है a माइनस बी बाय बी। अच्छा ये प्रोपोर्शन में किसके होता है c प्लस डी बाय डी, और ये प्रोपोर्शन किसके होता है c माइनस डी बाय डी। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ने पता है क्या किया है, कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ने क्या किया कॉम्पोनेंडो बाय डिविडेंडो कर दिया, मतलब a प्लस बी बाय बी होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी बाय बी, मतलब दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। ये देखो c प्लस डी बाय डी होल डिवाइडेड बाय c माइनस डी बाय डी, समझ में आया, ये कट गया ये कट गया, क्या बचा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी c प्लस डी सी माइनस डी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं ए बाय बी
प्रोपोर्शनेट टू ए माइनस बी एंड सी प्लस डी प्रोपोर्शन सी माइनस डी। समझ में आ गया? कॉम्पोनेंट वन डिविडेंडो करता क्या है? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको देखो ए रेशु बी इक्वल्स टू सी रेशु डी, अगर ये इक्वेशन है तो आप उस इक्वेशन को अगर ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी, तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, यहां तक सारे समझ में आ गए? टोटल हमने पढ़े 5, जिसमें इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में ए और बी आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करता है, ऑल्टरनेंडो जिसमें बी और सी चेंज करता है, कॉम्पोनेंडो में ए प्लस बी हो जाता है और सी प्लस डी हो जाता है, डिविडेंडो में ए माइनस बी और सी माइनस डी हो जाता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी हो जाता है। चलो मैं एक बार कॉम्पोनेंडो आपको लिख के दिखा देता हूं कि क्या हो जाता है। ए रेशू बी इक्वल्स टू सी रेशू डी अगर लिखा हुआ है तो आप इसको ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय डी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स। अब रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या रहता है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Oh, 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 oh